हर्षित भाई कैसे हो यार? भाई आप कैसे? आप तो रॉकस्टार हो रखे हर जगह। सो हम लोग क्योंकि अभी जनता के पास जा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अच्छा। और आप क्योंकि स्टूडियो में दिख गए, हमने कहा यार पहले उन लोगों से मिले, उससे पहले भाई से मिल लेते। भाई कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देख सबसे पहले मैं तेरे को अच्छा इंटरव्यू लिया, मैं खुलासा कर दूं, अभी दो दिन पहले प्रेस वाले ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, युवराज सिंह रिटायर हो गया तो मैंने बोला अच्छी बात है, दूसरे लड़कों को चांस मिलेगा। अब मेरा क्रिकेट का नॉलेज थोड़ा, भाई देख अपन एकदम पैदल आदमी है क्रिकेट में, खाली बैटिंग लेके खेलना जानते। अच्छा आप मतलब तो मेरे से एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे को उसने ये प्रेस वाले उलझा देते हैं कमीने साले। तो उसने मेरे से सवाल कर लिया कि आपको क्या लगता है धोनी, अब मेरे को क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है, मैंने उसको भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो मतलब धोनी के फैन लोग मेरे पीछे पड़ गए, ऐसी बात नहीं है भाई, धोनी ने इंडिया के लिए खेला है, धोनी मेरी जान सॉरी है बाबा, मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ भाई तेरी कसम। और तूने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी लाया दो, ये भी मेरे को मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा आलिया बनते जैसा है। गावस्कर को रिटायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गावस्कर कौन है भाई? ऐसा लगता है कि शोएब मलिक उधर है, अपने जीजा ही है अपने, तो उनको ऐसे कौन शोएब मलिक अपना सानिया मिर्जा के हस्बैंड। अरे भाभी तो बोला क्रिकेट में एकदम जीरो हूं भाई। सानिया मिर्जा को तो जानते होंगे? हां सानिया मिर्जा को जानता हूं, खेलती है। तो आपको क्या लगता है उनको दो बॉल धीमा देना चाहिए, जीजा जी को थोड़ा ट्रीटमेंट इधर से अच्छा देना चाहिए? मतलब बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग इंडिया अपनी करेगा, बुमराह उमराह करेगा लड़का है बॉलिंग। मैं छोटे जो भी है एक बाउंसर मार जीजा जी को, चलो भाई अभी क्या करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो एक बाउंसर ही मार छोटे।